आप हर दिन विदाउट सेफ्टी सेक्स भी कर सकते हैं अगर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं स्नोविलोन टैबलेट के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेस एंड इसके सब्सिट्यूट्स के बारे में। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमें कुछ यूजर मैनुअल मिलते हैं, यहीं से आप रीड आउट कर सकते हैं। और सेकेंडरी अगर बात करें तो हम इसमें इसके अंदर हमें 21 टैबलेट्स मिलती है। इस 21 टैबलेट्स का प्राइस 218 रुपये है और नोविलोन टैबलेट MSD का बनाया हुआ ब्रांड है। और इसके अंदर एसोगेस्ट्रल 0.15 mg और एथिनिल एस्ट्राडियोल 0.03 mg होता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस एथिनिल एस्ट्राडियोल के बारे में, आखिर ये क्या होता है। तो एथिनिल एस्ट्राडियोल एक प्राइमरी वुमेन सेक्स हार्मोन है जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के एक पार्ट के फॉर्म में बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बनाए रखने का काम करता है, जिससे मेनोपॉज के बाद होने वाले सिम्टम्स से राहत मिलती है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस डेसोगेस्ट्रल के बारे में, आखिर ये क्या होता है। डेसोगेस्ट्रल एक प्रोजेस्टेरोन है और साथ में एस्ट्राडियोल के साथ यह अपने ओवरी से अंडे को रिलीज करके दबा देता है और प्रेगनेंसी के इंसिडेंट को सपोर्ट करके अदर मैकेनिज्म के साथ इंटरफेरेंस से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करता है। और यह बॉडी में नेचुरल प्रोजेस्टेरोन दबाकर यह इस तरह से सेवरी डिप्रेशन सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, टेंशन और मुहासों में मदद करता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट को आप पीरियड्स के बाद होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, फीमेल हाइपोगोनेडिज्म की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, अंडाशय में गांठ की प्रॉब्लम में, मुहासों में, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, हार्मोन्स डिसबैलेंस में और प्रोस्टेट कैंसर में। आप इन सब प्रॉब्लम्स में इस टैबलेट को इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर इस टैबलेट का यूज प्रेगनेंसी से बचने के लिए, मुहासों में और हार्मोन्स डिसबैलेंस में ज्यादा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को यूज करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको वोमिटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, स्तन में कोमलता आ सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, पेट में गैस बन सकती है और हेडेक भी हो सकता है। बात कर लेते हैं गाइस इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। इस टैबलेट को कब यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, कैल्शियम का हाई लेवल हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो और स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस टैबलेट को यूज ना करें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस टैबलेट को वुमेन्स ही यूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये वुमेन्स के लिए ही होती है। इस टैबलेट को डेली वंस अ डे दिन में एक बार लिया जाता है, वो भी कंटिन्यू 21 डेज तक। 7 डेज का गैप करके फिर से आप इस 21 टैबलेट के पैक को कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट को 3 मंथ्स तक कंटिन्यू खाने की सलाह देते हैं, तभी इस टैबलेट को प्रेगनेंसी से बचने के लिए खाया जाता है। और इस टैबलेट की हेल्प से आप हर दिन विदाउट सेफ्टी सेक्स भी कर सकते हैं। गाइस, हमारा एक दूसरा भी चैनल है, अगर कार से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज एक बार जाके विजिट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी अपना ज्यादा ज्यादा प्यार दिखाना। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस टैबलेट से इररेगुलर पीरियड्स पे भी राहत मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।